नाजिन मैं हूं आपका होस्ट लीडर और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नाजिन ये नारकली बाज़ार की तरफ रास्ता जाता है जिधर मेन इसके बिल्कुल अकब के ऊपर जो है ये धमाका जो है वो हुआ है। नाजिन मेरे साथ देख सकते हैं कि ये अखबारों की दुकान है जो कि ये मेरे साथ मौजूद इन भाई की और बिल्कुल धमाके के करीब इनकी ये जो है वो दुकान वाकई इनसे जानते हैं कि सर ये जब धमाका हुआ है तो क्या इधर के हालात मंजर थे। हालातों मंजर ये थे यार के भाग दौड़ लग गई, जो लोग ज़ख्मी हुए उनको हमारे रेस्क्यू वाले वो फौरी दौड़ आ गए, उनके साथ हमने मदद करवाई, उनके साथ जो ज़ख्मी थे उनको उठाया, चीज़ें वगैरह साइड पे की, जो तबाही को मंजर बनी, मोटरसाइकिल वगैरह थी, रेड़ियाँ वगैरह थी, एक भटूड़े वाला था वो बेचारा वो जाम हालात हो गया, वो फौजशुदा हो गया, हॉस्पिटल दिखर गए हैं हम साथ। तो फिर इधर आए हैं भाग दौड़ में लगे रहे हैं, फिर इधर पुलिस वालों ने कहा जी हमने तशवीश करनी है ये वो वगैरह वगैरह, फिर हम इधर ही बैठे हुए अभी दिखकर। आप इधर मौजूद थे जब ये धमाका हुआ? जहाँ मैं नमाज़ पढ़ के ऊपर बैठा हूँ तो उस वक्त धमाका आ गया, मेरे ऊपर कोई होल गिरा है छोटा जिना खजूर के गिड्ढा की तरह, शीशे वगैरह जब टूटे वो होल वगैरह गिरे हैं आके इधर। तो रेस्क्यू टीमें कितनी देर में पहुँची? फौरन आ गए थे रेस्क्यू टीम, जल्दी आ गए थे, पुलिस भी आ गए थे, वार्डन सब जल्दी आ गए थे, सारे ये सब कैसे जल्दी टाइम पे ऊपर नहीं। तुम क्या कहा जा रहा है कि कितनी इधर जो है वो हम बात होगी आपके जानने में? आपके तो रहे हैं 28 जख्मी, 5 दो से तीन मवाद हो गई हुई हैं, क्योंकि ये धमाका बहुत तेज था तो हमारे ये अखबारों का स्टाल इधर ही लगाते हैं। तो भाई मेरा मैं तो घर में था, भाई नमाज पढ़ने का तो आया था, कहता वो कह रहा था बहुत ज़्यादा शिद्दत का धमाका था तो काफ़ी ब्लॉस हुआ वो सामने की जो वो काफ़ी नुकसान हुआ दुकानों का, तो राहगीर भी ज़ख्मी हुए हैं, तो दो तो मौके पर जान भाग हो गए थे, भटूड़े वाला था एक बच्चा तो एक लेडीज़ थी। सर कहा जा रहा है कि मेरी दो तीन ऐनी शाहिदीन से बात ही, वो कह रहे कि दो से तीन लाशें तो उन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं कि लोगों की अंतरियाँ बाहर निकली हैं, सीना फटा हुआ है, तो सिर्फ जो 5 जो है वो जा भाग हुए हैं लोग इसमें? पता नहीं, ये तो पता, 3 तो मेरे मौके पे हो गए थे, एक बच्चा था, एक लेडी थी और एक भटूड़े वाला था, वो मौके पे जान बख हो गए थे। आगे का नहीं, वैसे जख्मी तो जो थे वो जख्मी तो कोई कह रहे हैं 25 पड़े हुए थे, काफ़ी किसी की टांग पड़ी हुई थी, किसी का बाजू पड़ा हुआ था, वो सामने जो हमारे वो भी भाई हैं वो पठान में जो लोग आते थे वो कैप्सूल का वगैरह का काम करते, मफलर वगैरह बेचते थे। तो ये धमाका कितने के फासले के ऊपर आपके बिल्कुल ये आया? ये बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। नाजिन आप ये देख सकते हैं कि ये इनका जो है ये बिल्कुल ये इनका ये स्टॉल है और ये बिल्कुल ये बिल्डिंग के सामने जो है ये धमाका जो है 30 फुट है जनाब। एक बंदा दुकानदार जरा ना उन्होंने लगियां ने सट्टा, एक बच्चे ने चुके अगले ने पाया तो असी वो परेशानी से क्या होया कि असी फिर दौड़ा ला गए सारे, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, ए सानू परेशानी हुई है, एक बंदे ने उसे चुके वो हैगा सी बंदा और ये और को उठे नहीं गया, उन फिर चुके रक्षे च पाया उनका या तू लैके निकल एमरजेंसी अस्पताल दे ते लियांदा एनू एनू एन तो ठीक। एक मुंडा जूस वाला साडा दोस्त है वो मेरे को हबार लै गया तो इन्ना है इन्ना मैं देखे कि वो मुंडे ने वाह नुकसान होया मुंडे का, बाकी अल्लाह ताला सदके जाइए तमाम दुकानदार बैठे सैसे रश मेला लगा होंगे तो लिया अच्छा बिल्कुल गहमा गहमी वाला इलाका है इलाका तो। लाहौर के 12 दरवाजे हैं, ये अनारगरी का चौंक है, अखबारों का अड्डा है, अब हम बिल्कुल वो सामने हमारे वो जो है वो लवारी गेट, नाजिन आप देख सकते हैं बिल्कुल वो सामने लवारी गेट, इस तरफ हमारे जो है वो सबसे बड़ी मार्केट शालम मार्केट, ये सीधा नारकली बाज़ार उर्दू बाज़ार बिल्कुल है ना, कब के ऊपर जो है ये जो है वो दहशतगर्दी ये की गई है और एक दफ़ा फिर जो है वो लाहौर को जो है वो लहू लहू किया गया। मेरे साथ नाजिन ये ऐनी शाहिद मौजूद थे, आपने इनकी बातें सुनी, ये बिल्कुल ये अपनी आम ज़िंदगी के अंदर मसरूफ थे, अपने काम कर रहे थे, औरतें शॉपिंग कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, कहा जा रहा है कि एक औरत एक बच्चा और एक आदमी जो है वो तो मौके के ऊपर ही जा मौके पर होया तो लिया और बड़े बंद किसी कुछ वजह किसी कुछ वजह तो लिया सू हो गई परेशानी, असी सड़क पार करके दौड़ ला गए सारे, अखबार छड़ गए मैं दौड़ गया वेखो उस तरह ही पैन अखबार लिया, मैं असी यह शुक्र गुजार करने कि इतने लिया बहुत अच्छे अच्छा इंतजामिया इन्होंने साडा किया कि फटाफट लैके दौड़ गए ने सारे अस्पताल लैके दौड़े ने मुंडे भजे ने बंदे भजे ने, मैं कहना साडा बहुत अच्छा इंतजाम किया गया। सर ये सिलेंडर का वाक्य नहीं, ये बम ब्लास्ट हुआ है
जो सिलेंडर का काम नहीं है। इस पर आपकी कोई इधर काम, आप आए वैसे ही आप इधर विजिट करने आए हैं? इधर शॉप है, इधर शॉप है। तो आपका कोई उसका माली वगैरह नुकसान तो नहीं हुआ? हमारा हुआ है, लड़का एक जख्मी हो गया हमारा, उसकी टांग टूट गई है, काफ़ी शल्ले लगे हैं उसको। क्या किया कहा जा रहा है टीमों की जानिब से इस वक्त जो है वो, कितने इधर लोग जख्मी हुए हैं और कितने जो है वो मौत बताई जा रही है? तो कम से कम 3 तो इधर ही डेथ हो गई थी, तो काफ़ी लोग जख्मी थे, बच्चा भी था एक, और एक लड़का वो सामने भटोरा वाला वो तो मौके पे फौत हो गया, उसकी गर्दन पे कुछ चीज़ लगी है। सर बताएं कि आप भी ये जब धमाका हुआ आप इधर ही मौजूद थे? मैं मोरी गया था, वहाँ से दुनिया वहाँ से भाग रही थी, मैं यहाँ से इधर भाग रहा था, ये मेरा भाई है, ये मेरी दुकान है, मैं दुकान पे आ रहा था, तो ऐसा हुआ रास्ते में लाशें देखी हैं मैंने, एक वहाँ नुक्कड़ में पड़ी हुई थी, एक वहाँ पड़ी हुई थी, आंधे मैंने ये दुकान देखी है, मैं कल्ला बाग ने सेव की है। आपका कुछ जानने वाला तो नहीं इस हादसे का शिकार हुआ? देखिए मार्केट के साथ हैं, मार्केट वाले मेरे साथ हैं, वो जानने वाले हैं। आपने 3 लाशें अपनी आंखों से देखी हैं वो गिरी हुई? टीमों की जानिब से कहा जा रहा है कि 4 से 5 अफराद भी जो है वो जा भाग नहीं गारन कौन हुआ। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, तहकीकाती टीमों ने तो इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये तखरीबकारी यानी दहशतगर्दी का एक वाक़ा है जिसमें 1 से 1.5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। क्लोज सर्कट कैमराज की फुटेज जो कि एक सबसे बड़ा एविडेंस है इस केस की तफ्तीश के लिए, वो सेफ सिटी अथॉरिटी ने तहकीकाती इदारों के सपोर्ट कर दी हैं, और एक नामालूम शख्स की निशानदही भी तफ्तीशी इदारों ने की है जो कि यहाँ पर बारूदी मवाद इंस्टॉल करके यहाँ रख कर गया था। क्लोज सर्किट फुटेज की मदद से भी अभी यह साबित हो जाता है कि कोई सिलेंडर धमाका नहीं है, क्योंकि इसकी पहली कॉल यही चली थी कि एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जिसके नतीजे में 3 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन हालातों वाकयात सरकमस्टांशियल एविडेंसेस और फिजिकल एविडेंसेस ने यह साबित किया है कि दहशतगर्दी का एक वाकया है जिसमें 2 अफराद जहाँ भाग हुए हैं और 26 से ज़ायद लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अभी मज़ीद इसकी तफ्तीश जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसके मुकम्मल होने के बाद तफ्तीशी इदारे इस बात का तयन कर सकेंगे कि इसमें कौन मुलव्विस है, किसी तंजीम ने करवाया, उसके पसे पर्दा हकायक जो है वो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही सामने लाया जा सके। एक मुकम्मल जब रिपोर्ट आएगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाएगी। तब तक के लिए अपने होस्ट अली अहमद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।